अंदाज मोहतरम किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाजे बाप होगा जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए थे हर सितम पर आदाब महबूब कहते चुप थे, उठेगी हम पर जो ईद को ईद तो पत्थर उसका जवाब होगा, उठेगी हम पर जो ईद को ईद तो पत्थर उसका जवाब होगा। सत्ताधारी पार्टियां हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिखा करके आपका वोट आपसे हासिल करती है, सिर्फ आपका वोट। और इन तमाम चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन के लोग हो, चाहे वो बसपा हो, किसी के अंदर चाहे कांग्रेस हो, किसी के अंदर कुवत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। आप देखिए आज जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, सवाल करिएगा आप तमाम लोग, सवाल करिएगा आंख में आंख मिला करके कि अगर एमआईएम ने 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में सिर्फ दो सीटों पर चुनाव लड़ा, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा? दो सीटों पर, तीन पर, 14 में दो लड़ी थी, दो सीटों पर चुनाव लड़ा। नरेंद्र मोदी साहब कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए साहब, कैसे बन गए प्राइम मिनिस्टर? क्या कांग्रेस पार्टी क्या इसका जवाब देगी? क्या समाजवादी पार्टी इसका जवाब देगी? क्या आरएलडी इसका जवाब देगी? नहीं है जवाब। 2017 के इलेक्शन में, उत्तर प्रदेश के असेंबली के इलेक्शन में मजलिस ने सिर्फ 30 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, सिर्फ 30 सीटों पर। हमने तो अपना ईमानदारी से वोट दिया, एक मुस्लिम ऐसी कौम है जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया, बल्कि तमाम के तमाम तो अवसरवादी लोग हैं। क्या यादव समाज जिस पर समाजवादी पार्टी को हुरूर है, जो उसका बेस वोट है, क्या 2017 में क्या वो भारतीय जनता पार्टी पर नहीं गया? इस वक्त राम राज की लहर चल रही है, क्या साहब राम राज लेकर के आएंगे? और राम राज के लहर में बैठ करके 2017 में योगी जी को ला करके बैठा दिया। आज हमसे सवाल होता है 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश पूरे मुल्क में एमआईएम ने सिर्फ 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, एक सीट हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज, किशनगंज की सीट चंद हजार वोट से 3 लाख से ज्यादा वोट पाकर के अख्तरुल इमान साहब हार जाते हैं। औरंगाबाद की सीट 36 साल से शिवसेना का कब्जा था, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का ऐलान सुनाते थे, उसको हराया किसने? एमआईएम ने हराया, आपकी पार्टी ने हराया। आज अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है तो वाहिद और वाहिद कौन रोक सकता है? एमआईएम ही रोक सकती है, इसके अलावा कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत में नोटबंदी जैसे वाकयात हुए, जीएसटी जैसा सिस्टम लाया गया जिसने हमारे मुल्क के व्यापारी सिस्टम को भंडार बना करके रख दिया, कहां गई कांग्रेस पार्टी? ये अपोजिशन में थी और अपोजिशन का हक आज कौन अदा कर रहा है? ओवैसी साहब अदा कर रहे हैं। कोई भी मुल्क में मुद्दे होते हैं कौन बोलता है साहब? ओवैसी साहब ही बोलते हैं। कल्याण मोहतरम ये तमाम चीजें समझने की जरूरत है। अभी मैं इसी इलाके में कैंपिंग में गया था, बड़ी ही पसमानदगी है यहाँ पर और अफसोस होता है कि हमने अपना वोट का इस्तेमाल कहाँ किया है। घर की औरतें कह रही हैं कि इलेक्शन के टाइम में तो तमाम लोग आते हैं, वोट हासिल करते हैं और चले जाते हैं। हमारे घरों को देखिए, हमारे मोहल्लों को देखिए, हमारे घर कच्चे हैं। यकीनन उनकी शिकायत यकीनन दुरुस्त है। हमने जिन जिन लोगों को वोट दिया उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, यकीनन उनके जो दर्द है उसे महसूस कर